अध्यक्ष महोदय संयुक्त राष्ट्र जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है अलग नहीं है संयुक्त राष्ट्र के इसी हॉल में ये शब्द अनेकों बार गूंजा है वसुधैव कुटुम कम हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं यह हमारी संस्कृति संस्कार और सोच का हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना के लिए लगभग 50 पीस कीपिंग मिशंस में अपने जाबाज सैनिक भेजे भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है आज प्रत्येक भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है अध्यक्ष महोदय दो अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इनकी पहल भारत ने ही की थी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत के ही प्रयास है भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेरित रही है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजियन इसकी सोच या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है भारत की पार्टनरशिप का मार्गदर्शन भी यही सिद्धांत तय करता है भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते